नमस्कार मेरे युवा और मेहनती सोयाबीन की खेती करने वाले किसान साथियों, सोयाबीन की फसल सोमनाथी करेगा सफल के सातवें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं सोमनाथी फिर से आपके सामने हाजिर हूं, आपको सोयाबीन की फसल में अधिक उपज दिलाने के लिए। हमने पिछले एपिसोड में फसल की बीमारियों और उनके प्रबंधन के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि PGRs के बारे में, जिससे आप अपनी फसल की वृद्धि और उत्पादन को और भी बेहतर बना सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या हैं? PGRs प्राकृतिक या कृत्रिम रसायन होते हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास और फसल उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। ये रसायन पौधों की विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रभावित करके उनके विकास को बढ़ावा देते हैं। सोयाबीन की फसल में PGRs के फायदे। विकास में वृद्धि। PGRs पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, जिससे पौधे अधिक मजबूत और स्वस्थ होते हैं। फूलों और फलों की संख्या में वृद्धि। ये रसायन फूलों और फलों की संख्या को बढ़ाते हैं, जिससे फसल की उपज बढ़ती है। जल और पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग। PGRs पौधों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, जिससे वे जल और पोषक तत्वों का अधिक अच्छा उपयोग कर पाते हैं। पर्यावरणीय तनाव से सुरक्षा। ये रसायन पौधों को विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय तनाव जैसे सूखा, ठंड आदि से बचाते हैं। हमारे प्रमुख PGRs और उनके उपयोग। बॉल्टार प्लस। उपयोग: पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने और फसल की उपज अथवा अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी उत्पाद है। फायदे: सोयाबीन के पौधे की अनावश्यक वृद्धि को रोकने में सहायक। पौधों पर फूल और फल नहीं आने की समस्या को दूर करता है। पौधों में बाजपन जैसी समस्या से निजात पाने के लिए सर्वोत्तम और उच्चतर उत्पाद। उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए प्रभावी। फल और फूल वृद्धि बढ़ाने के साथ साथ पौधों में रोग एवं फंगस की रोकथाम करता है। फसल की उच्च गुणवत्ता और वृद्धि में सटीक उपाय, जिसके बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा हमारे अन्य ग्रोथ प्रमोटर धन लक्ष्मी और एनर्जी का उपयोग भी कर सकते हैं। कृषि में PGRs के साथ सहायक पदार्थ यानी कि एडजुवेंट का भी बड़ा रोल होता है। बेहतर अवशोषण, समान वितरण, बढ़ी हुई प्रभावशीलता, बेहतर प्रवेश, कम वाष्पशीलता, उत्तम अनुकूलता, पर्यावरणीय सुरक्षा, लागत प्रभावशीलता आदि के लिए हमारे एडजुवेंट्स एप्सा एवं स्पीड 5 का उपयोग कर सकते हैं। प्रिय किसान भाइयों, PGRs और हमारे एडजुवेंट्स का सही समय पर और सही मात्रा में उपयोग करके आप अपनी सोयाबीन की फसल की उपज को बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं सोमनाथी आपकी मदद करूंगा और हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम सोयाबीन की फसल की कटाई और भंडारण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय किसान, जय सोमनाथ।